हेलो एवरीवन, वेलकम ए ग्रेड स्टडी। तो लास्ट लेक्चर में अपन फलन के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं कि आपको कोई भी फलन का ग्राफ दे रखा हो या किसी चीज़ का ग्राफ दे रखा हो और पूछे कि क्या ये फलन है या नहीं, तो उसको कैसे पता करेंगे। तो उसमें भी अपन बेसिक वही चीज़ यूज़ करेंगे जो उस दिन पढ़ी थी, कि किसी भी सेट के इनपुट का एक एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट एक अवयव दो एलिमेंट दूसरे वाले इससे दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये वाला फलन नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही ग्राफ में देखेंगे, तो लेट कर लो आपको इस टाइप का ग्राफ दे रखा है कि क्या ये वाला फलन है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अगर ये वाली रेखा इस वाले कर्व को दो जगह मतलब एक से ज्यादा बार काटती है तो वो फलन नहीं होता है, ये फलन नहीं होगा। लॉजिक समझते हैं कैसे, लेट कर लो ये क्या है, x है, इनपुट है, एक इनपुट में अपने को दो आउटपुट मिल गए, यही वाला केस बन रहा है यहाँ पे। इनपुट यहाँ पे क्या है, एक है, तो जैसे यहाँ पे x क्या है, एक सिंगल इनपुट पे क्या है, दो आउटपुट मिल गए, तो इसीलिए ये फलन नहीं है। तो इसी फंडे के यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है। और अगर ये वाली रेखा एक उसी कर्व को एक से ज्यादा बार काट देती है तो वो वाला ग्राफ है वो फलन का नहीं होगा। तो ये अपन इसके ग्राफ से पता कर सकते हैं कि वो फलन का ग्राफ है या नहीं है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे फलन के प्रकार, कितने टाइप के फलन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन तस्मक फलन, आइडेंटिफाई फंक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी फंक्शन ए से ए में ही डिफाइन है, ए से ए में, मतलब जैसा इनपुट देते हैं वैसा ही आउटपुट मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है। तत्समक फलन, जैसा इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट मिल गया तो उसे क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। लेट कर लो ये क्या, आई एक्स वाई क्या आ गया, एक्स फॉर ऑल x belongs to a, मतलब सभी x की वैल्यू जो a से बिलोंग करती है जैसे ही फंक्शन में डाला वापस उसी टाइप की वैल्यू दे दी, तो वो क्या कहलाता है, तस्मक फलन कहलाता है, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला एक एक ही फलन, एक एक ही फलन या वन वन फंक्शन। देखो वन वन का मतलब क्या होता है, अगर इस सेट ए का एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के सेट बी से जुड़ा हो, मतलब ये वाले इस टाइप से, ठीक है, मतलब ये वाला, मतलब यहाँ के दो एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं हो, अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब है वो अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, एक एक ही फलन कहलाता है। उसके बाद दूसरा पढ़ते बहु एक एक ही, बहु एक एक ही, ठीक है, मैनी वन। बहु एक एक ही का मतलब क्या होता है, सेट ए के एक एलिमेंट, ठीक है, मतलब ये ए सेट ए है, ये सेट बी है, यहां के एक एलिमेंट है, लेट कर लो यहां पे तीन एलिमेंट यहां पे दो है, तो इसके दो एलिमेंट या दो अवयव इस वाले के एक ही अवयव से जुड़े हुए, ठीक है, और ये वाला इससे अलग से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इसके दो अवयव एक एलिमेंट से जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहु एक एक ही, ठीक है, ये हो गया अपना बहु एक एक ही, मतलब इनका इन दोनों का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, एक ही प्रतिबिंब है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहु एक एक ही। तीसरा देखते हैं आच्छादक फलन, ऑन टू, आच्छादक, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है,
इसमें रेंज और कोडोमेन, सहप्रांत और परिसर अगर किसी फलन के बराबर है तो उसे क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे ये इसका सेट है, ये सेट बी, ए से बी में कोई भी फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, ये कोई फलन डिफाइन है। तो यहां पे अपन देखेंगे ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के इस वाले सेट बी में रेंज में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, लेट कर लो क्या, एक दो और तीन, और इसके कोडोमेन में भी कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है पूरे सेट बी में, और तीनों क्या हुआ है, जुड़े हुए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन कहे यहां पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन या फिर परिसर और सप्रांत आपस में क्या है, बराबर है। इस केस में अगर परिसर और सप्रांत दोनों ही आपस में बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। एक और लेते हैं एग्जांपल, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। यहां पे देखो सेट बी में दो एलिमेंट है, दो ही जुड़े हुए, ठीक है, तो ये कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। आच्छादक के साथ साथ ये कैसा है, बहुएकी भी है, क्यों, क्योंकि ये वाले दो एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़े हुए, ठीक है, तो ये हो गया अपना आच्छादक फलन, ऑन टू फलन। नेक्स्ट है अंतरक्षेपी फलन। N टू फंक्शन, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होते हैं। जैसे ये सेट A है, ये सेट B है, A से B में कोई फंक्शन डिफाइन है, इसे माना चार एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से अपने को दिख रहा है सीधे सीधे कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो कोडोमेन में कितने हैं, चार एलिमेंट है, मगर जुड़े हुए कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ तीन एलिमेंट, एक एलिमेंट इसमें रह गया। इसमें क्या है, रेंज और कोडोमेन क्या है, बराबर नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू, तो ये कैसा फंक्शन है, अंतरक्षेपी फलन है, ठीक है। तो ये अपने को डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई चारों टाइप के फंक्शन की। अब इसका नेक्स्ट टास्क है कि अपन इसको पता कैसे करेंगे कि ये फलन है, यानी एक तो अपन ने डेफिनेशन से देख ली अंतर चारों के चारों फलन के किस टाइप से है। अब जैसे कि अपने को कोई दे रखा हो फलन और आपसे पूछे कि ये किस टाइप का फंक्शन है, तो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट कर लो आपको ए कोई भी फंक्शन दे रखा है, एफ कहाँ से कहाँ है, एन से एन में है, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इससे पहले कुछ दो तीन पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक इसी चार टाइप के फंक्शन में। पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर जैसे अपने फलन को चेक किया था कि फलन ये वाला ग्राफ दे रखा है तो फलन है या नहीं, तो ऐसे अगर आपको ग्राफ दे रखा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसा फलन है, इनटू है, ऑनटू है, मतलब एक के अंबो के वैसे कैसे पता करेंगे। तो लेट कर लो कोई भी ग्राफ दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ये एक्स अक्ष है, तो इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। अगर ये रेखा किसी ग्राफ को दो बार काट देती है तो वो क्या है, बहुएकी। ऐसा क्यों देखते हैं, लेट कर लो ये इस टाइप का अपने को ग्राफ दे रखा था या किसी कर्व का, ठीक है। तो देखो ये क्या है, माना ये एक्स वन है, ये क्या है एक्स टू है, और ये इनपुट वाई वन है। तो यहां से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि दो इनपुट का एक ही आउटपुट है या नहीं है, कैसे, ये क्या है एक्स वन, ये एक्स टू, और इसका इनपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही है वाई वन, ठीक है। ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ, और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था जब भी ऐसा होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, बहुएकी होता है, मैनी वन होता है। तो एक ये ध्यान रखना, एक चीज और देखनी अपने को, ये आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन है वो स्टिकली इंक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान, ठीक है, निरंतर अगर वर्धमान है
निरंतर वर्धमान। इसकी कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो या निरंतर ह्रासमान है, इसकी कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का है तो वो हमेशा कैसा होता है? एक एक ही होता है, मतलब वन वन होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हो गए जो अपन ने टाइप पढ़े थे उसके, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन जज करेंगे कि कौन सा दिया गया फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो मैंने फंक्शन ले लिया, एफ डिफाइन है एन से एन में और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये मैंने फंक्शन ले लिया और आपसे पूछा है कि ये किस टाइप का फलन है, उसका टाइप बताओ। तो चेक करते हैं। देखो, फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब क्या, ये इनपुट है ये आउटपुट है, और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट मतलब ये प्रांत है ये सह प्रांत है। तो यहाँ पे क्या दिया हो, एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे अपने को सीधी सी बात है, ये लेट कर लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अपने को यहाँ पे दे रखा है दोनों में क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से चलेगा। ये अपने को सेट दे रखे हैं, परंतु फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेट कर लो मैं इसमें 1 रखता हूँ, यहां से मैंने 1 उठा लिया, तो एफ 1 इज इक्वल टू 1। क्या इससे है, बिल्कुल है, ठीक है। यहां से मैं 2 ले लेता हूँ, एफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8। तो ये 1 तो 1 से कनेक्टेड है, 2 सीधा किससे कनेक्टेड हो गया, 8 से, ठीक है। तो अगर इसकी टेबल अपन इस टाइप से टेबल बनाए, ये x इनपुट है, ये y आउटपुट है। तो 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 27। तो यहां से एक चीज दिखाई दे रही है कि कोई भी एक एलिमेंट इनपुट है, उस ये वाले दो इनपुट एक इनपुट एक वाले आउटपुट से तो जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दो अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, जैसे ही अपन इनपुट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होता है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी, क्या है, एक एक ही टाइप है। अब दूसरा देखना है क्या है, कि ये आच्छादक है या अंतर्क्षेपी है। तो उसकी कंडीशन क्या देखते थे अपन, रेंज और कोडोमेन को देखते थे। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि रेंज में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जुड़ नहीं रहे। जैसे ये 1 तो 1 से जुड़ गया, 2 है वो कहीं 8 से जुड़ रहा है, यहाँ कहीं 8 से जुड़ेगा। ये सारे के सारे एलिमेंट पीछे क्या है, लेफ्ट रह रहे, खाली रह रहे, इनसे कोई भी सेट, ये इसका इन इन सब एलिमेंट का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, मतलब प्री इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रेंज और कोडोमेन क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या हो गया, अंतर्क्षेपी हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, 1-1 और N2, 1-1 और N2 मतलब एक एक ही और अंतर्क्षेपी, ये एक एक और अंतर्क्षेपी टाइप का फंक्शन है, ठीक है। एक एक और समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि देखो किसी भी एक इमेज का जो इस वाले एलिमेंट का इनपुट का, दो दो इनपुट का एक इमेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से अपन देखा था, ये वाला ये बहु एक एक होता है, ठीक है, मतलब दो इनपुट का एक ही आउटपुट मिल जाए। तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, जैसे ही इनपुट चेंज करोगे आउटपुट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। लेट कर लो मैं फंक्शन आपको एफ डिफाइन करता हूँ 0 से π से लगा के -1 से लगा के 1 के बीच में, और फंक्शन दे देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आपको बताना है कि ये वाला फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। एक एक ही यहाँ, बहु एक एक ही है या अंतर्क्षेपी, ये आपको बताना है,
ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब आपको पता है कॉस का ग्राफ इस टाइप से चलता है, ठीक है, परंतु यहां पे अपने को कितना दे रखा है, इनपुट लेना है। इनपुट में कहां से कहां तक है, जीरो से पाई, तो ये रहा जीरो और ये पाई बाई टू होता है और यहां पे पाई, तो यहां तक लेंगे तो इसका ग्राफ हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया जीरो, ये पाई हो गया, ठीक है, और ये जीरो। तो ये ग्राफ हो गया, जितना अपने को इनपुट दे रखा था उसमें अपन ने ग्राफ बना लिया। और ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, कहां से कहां तक, जीरो से लगा के पाई तक, ठीक है। और आपको पता है ये कॉस एक्स का जो आउटपुट होता है, रेंज होता है क्या होता है, माइनस वन से वन के बीच में होता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अपन जब भी कोई भी इनपुट देंगे तो आउटपुट वेरी हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे अभी अपन ने देखा था, चेक देखा था, एक एक और बहु एक एक चेक किया था कि आप एक्स अक्षीय समांतर रेखा खींचो, अगर वो किसी ग्राफ को मोर देन वन टाइम्स अगर कट करती है तो वो बहु एक एक, अदरवाइज एक एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे कट कोई भी एक लाइन खींचता हूँ एक्स अक्ष के समांतर, तो वो इस ग्राफ को इस दिए हुए अंतराल में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, तो इसीलिए ये क्या है, वन वन है, क्या है, वन वन, मतलब एक एक ही फंक्शन है, ठीक है। अब अपन को क्या चेक करना है, ये बहु एक एक ही है यानी कैसे चेक करेंगे, दूसरा अपन ने कंसेप्ट क्या पढ़ा था, एक एक सॉरी आच्छादक और अंतर सेपी के लिए सीधा सीधा ये देखते थे कि क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है या नहीं, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो क्या हो जाएगा, आच्छादक ऑन टू, और रेंज मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अंतर छिपी। अब यहाँ पे इसमें रेंज अपने को कोडोमेन दिया कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे कोडोमेन कितना दिया है इस फंक्शन का, कितना दिया है, माइनस वन से वन के बीच में, और अपने को पता है दिए गए फलन का एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये भी माइनस वन से वन के बीच में होती है, तो क्या यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या है, बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, वन वन और ऑन टू, एक एक ही और अच्छा तक फलन, ठीक है, समझ में गया। क्या देखते हैं अपन, पहले देखते हैं एक एक के लिए कंडीशन देखते हैं, एक एक के लिए एक ही कंडीशन होती है, एक ही इनपुट मतलब अलग अलग अवे अलग अलग से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। ऑन टू के या फिर इन टू के लिए क्या देखते हैं, रेंज और कोडोमेन देखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट कर लो एफ ई टू इंफिनिटी से लेके आर तक, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एलन 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 एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है ई से लगा के इंफिनिटी, ये इनपुट है मतलब क्या है, प्रांत है, ये परिसर सॉरी सह प्रांत है, कोडोमेन डोमेन और कोडोमेन, और ये अपने को फलन दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि इसको चेक करके बताओ कि इसमें दो टाइप होंगे, एक तो या तो क्या होगा एक एक ही या बहु एक एक ही, ठीक है, दूसरा या तो क्या होगा आच्छादक या अंतरछेपी, ठीक है, ये अपने को बताना है, इसमें से एक होगा और एक इसमें से होगा, तो ये अपने को चेक करके बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, एक एक ही आया बहु एक एक है, तो अभी अपन एक चीज और देखेंगे, एक एक और बहु एक के लिए क्या देखा था, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश एक्स मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो ही रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार काटेगी, एक बार काटेगी, तो एक बार काटती वो क्या होगा, एक एक ही फलन होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से अपन इसको देखते हैं, तो क्या ये एफ डैश एक्स इसका ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, तो इसको देखते हैं, तो इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए ये मैं अभी एल एन क्या करेंगे, तो ये मेरे लिए पूरा क्या है,
ए मान के चलता हूं, और एल एन एक्स का आपको अवकलन पता है, एफ एस एक्स निकालेंगे क्या होगा, वन अपॉन एल एन एक्स, ठीक है। परंतु ये ए नहीं था तो चेन से लगाएंगे चेन रूल, तो क्या हो जाएगा इसका वापस क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स, ये चेन रूल से लिख दिया। कैसे, मैं लेट कर लो, ये मेरे लिए पूरा का पूरा पहले क्या है, इनपुट है, तो क्या अपने को पता है एल एन ए का जो डिफरेंशिएशन अवकलन होता है क्या होता है, वन अपॉन ए, तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए ए है, तो क्या हो गया वन अपॉन ये पूरा का पूरा, परंतु अपने को पता है चेन रूल यहाँ पे ए है नहीं पूरा पूरा, तो इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये इसका इनपुट ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो वन अपॉन एल एन एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स। तो अब चेक करते हैं क्या ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, अभी इनपुट क्या है ई से इन्फिनिटी, तो लेट कर लो जैसे ही मैं यहां पे रखता हूं ई से इन्फिनिटी, तो ये क्या है एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ये अपने आप में पॉजिटिव है, वैल्यू क्या होती है 2.71 के लगभग होती है, ठीक है, तो 2.71 से इन्फिनिटी के कितना भी भाग देंगे तो ये संख्या कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे देखें ये वाला, अगर मैं एक्स को ई से इन्फिनिटी की रेंज में देता हूं, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे ही मैं ई रखता हूं, ठीक है, क्या रखता हूं ई, तो एल एन ई क्या हो जाता है वन, तो वन से इन्फिनिटी ये क्या मिल गया, और इन्फिनिटी वन से शुरू होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या हो गया वन से इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। अब इसको देखते हैं, यहां से मैं एक्स में क्या दे रहा हूं, ई से इन्फिनिटी दे रहा हूं, तो इस वाले फंक्शन का आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा वन से इन्फिनिटी, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये देखा। अब ये वन से इन्फिनिटी इस फंक्शन का क्या हो जाएगा इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको पता है एल एन वन क्या होता है जीरो, तो ये क्या होगा जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ये सारी चीजें देखूं तो ये पॉजिटिव वन से इन्फिनिटी, वन बाई वन टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यहां पे देखो जीरो क्या है ओपन ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो होता तो क्या वन में जीरो का भाग देते क्या इन्फिनिटी बन जाता, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये जीरो से आगे की संख्या की बात करते हैं, तो जीरो से हल्का सा आगे तो ऑब्वियसली बात है प्लस साइन की ओर जा रहे हैं, तो इसमें भी भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस साइन आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये सारे के सारी चीज मिलके क्या हो जाएगी, अब सब पॉजिटिव नंबर का आपस में गुणा होगा तो भी वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा, तो ये सारी की सारी चीज मिलके क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अपन ये अतः अपन ये कह सकते हैं कि इसका एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो, जैसे ही ये कंडीशन आती है तो फंक्शन क्या होता है वन वन, ठीक है, ये वन वन फंक्शन हो गया, तो एक एक तो पता चल गया। अब अपने को क्या पता करना है कि ये ऑन टू है या इन टू है, तो उसके लिए अपन सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं रेंज और कोडोमेन देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने को कोडोमेन दिया है क्या, क्या दे रखा है आर, तो अब अपन क्या निकालते हैं इसकी रेंज निकाल के देख लेते हैं क्या मिलता है अपने को, ये रफ कर देता हूं या इस साइड कर लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एल एन, ठीक है। चलिए अपने को रेंज निकालनी है, इनपुट क्या है यहां पे ई से इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे ही इस वाले को अब मैं इसकी बात कर रहा हूं इसको इनपुट मिला तो ये पूरा का पूरा आउटपुट में क्या दे देगा, जैसे ही ई रखते हैं एल एन ई क्या होता है वन, तो वन से इन्फिनिटी मिल जाएगा, इसका आउटपुट इस वाले फलन का क्या बन जाएगा इनपुट बन जाएगा, तो अब ये आउटपुट इसका क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा, तो इस इनपुट की बदौलत ये अपने को क्या दे देगा जैसे ही वन रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एल एन वन, ठीक है, जीरो से लगा के इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी, तो इस पूरे का आउटपुट इसका क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा, और आपको पता है जीरो से इन्फिनिटी एल एन एक्स का क्या होता है डोमेन होता है, क्या होता है इसका डोमेन अपने को पता है डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जीरो से इन्फिनिटी, और इस डोमेन पे ये रेंज क्या देता है आर दे देता है, ग्राफ आपको पता है इसका ग्राफ इस टाइप से होता है एल एन एक्स का, लेट कर लो मैं ए इज ग्रेटर देन वन है, तो ये क्या है वन कॉमा जीरो है,
तो अपने को पता है ये जीरो से लगा के इन्फिनिटी तक, जीरो टू इन्फिनिटी, ये इसका क्या रहता है, डोमेन रहता है। ये क्या रहता है, डोमेन, जीरो टू इन्फिनिटी। और इसी डोमेन पे रेंज देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब रियल नंबर दे रहा है, तो क्या हो जाएगी रेंज, क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहां से देखो, इस वाले इनपुट के लिए, इस वाले इनपुट के लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन अपने को क्या दे रहा है, आउटपुट में रेंज आर दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस इनपुट के लिए जो अपने को आउटपुट मिला है, जो कोडोमेन है, वो रेंज के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। बासन भाई एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए, ये क्या है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इस वाले इनपुट के लिए इसकी रेंज निकालनी है। बेसिकली अपन इसके इस फलन की क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रेंज जो अपने 11th में सीखी थी, तो इसकी रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनपुट ये है, प्रांत ये है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे ही पहले ई से इन्फिनिटी देंगे तो एल एन ई वन हो जाएगा, तो ये क्या, इसका आउटपुट इस फलन का इनपुट बन जाएगा। तो इस वाले फलन ने ये ई टू इन्फिनिटी दी, तो ये आउटपुट में क्या दिया, वन से इन्फिनिटी। अब ये वन से इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले एल एन का क्या हो जाएगा, इनपुट, और इनपुट पे ये अपने को आउटपुट मिलेगा। तो जैसे ही वन रखेंगे एल एन वन क्या होगा, जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, ये इसका आउटपुट इस वाले फंक्शन का। तो अब ये पूरा का पूरा ए मान के चलो, तो एल एन ए का इनपुट क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी। और अपने को पता है जीरो से इन्फिनिटी एल एन फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है, तो उसी डोमेन पे पूरा का पूरा उसकी रेंज क्या होती है, आर होती है, तो वो अपने को रेंज क्या दे देगा, आर। तो यहां से पता चल रहा है रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। तो फंक्शन क्या हो गया, ये जो दे रखा है वो क्या है, वन वन और ऑन टू फंक्शन है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, फलन को कैसे पता करेंगे, एक एक है बहु एक एक है। चलिए अभी अपन ने देखा सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन होता है, ये सेट बी। अब अपने जनरली इनपुट को x से डिनोट करते हैं, आउटपुट को y से। तो लेट कर लो कि y या फिर fx से, ठीक है, y इक्वल टू fx। तो लेट कर लो मैं एक एलिमेंट लेता हूं यहां से x1 और यहां पे x2, दो एलिमेंट लिए, ठीक है। तो ये एक एक ही कब होगा, जब इसका भी अलग से एक ही इमेज हो, इसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, लेट कर लो मैं दो कंडीशन यहां से इस टाइप से लेता हूं कि एफ एक्स वन, यहां पे दो एलिमेंट ले लिए मैंने कि एक्स वन और एक्स टू, ये दो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं ए, ए क्या यहां पे डोमेन है, ये मैं अलग अलग लिए, ये मैंने क्या ले लिया अलग अलग, या फिर इसको मैं एक बार बराबर ले लेता हूं, यहां पे क्या ले लिया मैंने, ये बराबर ले लिया x1 is equal to x2, ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए बराबर। और यहां पे इसका आउटपुट क्या हो गया fx1, और यहां पे x1 पे आउटपुट fx1 है, x2 पे आउटपुट fx2 है, ये दो इसके आउटपुट है। अब मैं इन दोनों आउटपुट को बराबर करता हूं, पहले क्या करता हूं, दोनों आउटपुट को बराबर, कि ये जो आउटपुट है इसको पहले इस वाले को भूल जाओ तोड़ दे, लेट कर लो ये जो आउटपुट है ये दोनों बराबर है। मैंने क्या लिया, दो एलिमेंट अलग अलग लिए x1 और x2। अब मैं ये कहता हूं इनका आउटपुट बराबर है, मतलब ये वाला, ये केस है, ये क्या है, x1 पे जो fx1 मिल रहा है और x2 पे जो fx2 मिल रहा है, ये दोनों क्या है बराबर है। तो ऐसा केस होता है तो अपने को पता है कौन सा होता है, बहुएकी फलन होता है। तो इससे कैसे पता करेंगे, लेट करो अब मैं इसको बराबर करता हूं, फिर इसको सॉल्व करता हूं, और यहां से इन दोनों को सॉल्व करके, दो फंक्शन fx1 और fx2 को सॉल्व करके मैं यहां से देखता हूं x1 और x2 में रिलेशन देखता हूं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, ये दोनों क्या आ जाए बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट जिसकी बात कर रहे हैं ये एक आउटपुट है, तो ये जो इनपुट लिए वो दो इनपुट अलग अलग नहीं है, एक ही इनपुट है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक एक ही हुआ ही नहीं हुआ, कैसे, ये एक ही आ गया, इसका मतलब ये इस पे शिफ्ट हो गया नहीं हो गया, इसका मतलब ये जिसकी बात करता है ये दोनों x1 और x2 एक ही है जिसका प्रतिमा अपने को दे रखा है। बासन भाई तो ये x1 इज इक्वल, और ऐसा होता है कि x1 और x2 बराबर नहीं आते, x1 और x2 बराबर नहीं आते, कैसे, तो इसमें क्या होगा, x1 भी अलग है x2 भी अलग है, परंतु इनका इमेज क्या है, एक है, तो ये केस बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बहु एक एक हो जाएगा।
अब आपको आसान में आ गई, ठीक है। क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2 किससे, प्रांत से। ये क्या है, प्रांत है, क्या है, प्रांत। प्रांत से एलिमेंट लेंगे, इन एलिमेंट पे उन उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उनको लेट कर लेंगे स्टार्टिंग में कि ये बराबर है। अगर ये बराबर है और ये एलिमेंट भी वापस बराबर आ जाते हैं तो वापस एक पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो एक एक हो जाएगा। अगर नहीं बराबर आता है तो बहु एक एक, ठीक है। ये तो हो गया एक एक और बहु एक एक की जांच। अब अपन कैसे पता करेंगे कि आच्छादक है या अंतरक्षेपी है। अभी अपन ने डेफिनेशन क्या देखेगी, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो वो तो आच्छादक ऑनटू हो जाता है, नहीं है तो अंतरक्षेपी या इनटू हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, ये जस्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको समझने के लिए सेम यही प्रोसेस करेंगे। अब आच्छादक की बात करें तो पहले आच्छादक को अभी अपन ने समझा था कि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक अवयव, ठीक है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, इस टाइप से भी हो सकता है ये वाला। तो इसमें क्या है, रेंज और कोडोमेन बराबर है या नहीं। तो अपन ने क्या देखा कि अगर मैं ये लेट कर लो, ये वाई है और ये एक्स है, तो इसमें क्या कहते हैं कि किसी भी एक भी एलिमेंट, यहाँ पे जो एक भी एलिमेंट है वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाली होती क्या हो जाता है, अंतरक्षेपी हो जाता है। क्यों, अभी अपन ने देखा था अंतरक्षेपी क्या था, इस टाइप पे, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये से जुड़ा हुआ, और ये एलिमेंट खाली है, तो ये क्या अंतःक्षेपी है। इसका मतलब इस वाले वाई के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। तो मैं ऐसा कर लूं कि किसी भी वाई, यहां से कोई भी एलिमेंट उठाऊं, किससे, वाई से, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, वाई से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, सॉरी बी, सेट बी से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं और उस एलिमेंट का अगर सेट ए में मुझे प्री इमेज मिल जाए, पूर्व प्रतिबिंब मिल जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो उसका इमेज यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। और यहां से मैं देखता हूं अगर मुझे कोई भी एक एलिमेंट या एक अवयव ऐसा मिल जाता है वाई के, तो जो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा, यानी N2 हो जाएगा। सुन भाई, ठीक है। तो मैं इस वाले के लिए क्या करूंगा, सहप्रांत से कोई भी एलिमेंट लूंगा और उस सहप्रांत के लिए मैं इसका इमेज देखूंगा, प्री इमेज देखूंगा। अगर इस वाले डोमेन में अगर मुझे मिल जाता है तो वो आच्छादक ऑनटू नहीं मिलता है। मतलब लेट कर लो, यहाँ पे इस मैपिंग डायग्राम से देख के बता सकते हैं कि वाई के सेट बी के सहप्रांत के इस एलिमेंट का यहाँ पे कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया आर से आर और एफ एक्स ले लिया 3x+5, ये मैंने क्या ले लिया, एक फलन ले लिया, और चेक करना है कि क्या ये एक एक ही है या एक एक ही, जो भी अपने को टाइप देगा, चार टाइप है उसमें से कोई दो टाइप निकलेंगे, कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं एक एक ही है या बहु एक एक ही है। तो एक एक ही और बहु एक एक के लिए अपन ने क्या किया था कि लेट कर लो, ये आर से आर इनपुट लिया मैंने, दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2 जो बिलोंग्स कर रहे हैं आर, आर कौन सा, प्रांत, डोमेन वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दो एलिमेंट के लिए, ये दो एलिमेंट अगर मैंने ले लिए x1 और x2, अब इसके लिए मैं fx1 और fx2 निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा, fx1 और fx2, तो लेट कर लो इस पे आउटपुट है fx1 और इस पे आउटपुट है fx2। स्टार्टिंग में ही मैंने मान लिया कि ये क्या है, बराबर है, इसका मतलब इस टाइप से यही वाला है वही fx1 है और यही fx2 है, इस टाइप से मैंने मान लिया, ठीक है। तो मैं वापस वैल्यू रखता हूं, तो यहाँ पे 3x1 + 5 = 3x1 + 5 = ये क्या हो जाएगा,
3x2 + 5, यहाँ से 5 से 5 कट गया, ये क्या हो गया, तो 3x1 = 3x2, तो यहाँ से x1 = x2, मतलब क्या हुआ, ये जो मैं दो अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूँ वो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, कौन सी कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, इसका मतलब इनका आउटपुट बराबर है, x1 पे और x2 पे जो आउटपुट मिल रहा है वो एक ही है, तो ये वाली जो मेथड कह रही है इनका इनपुट भी ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही इनपुट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x1 और x2 एक पे शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब एक का यही x1 है यही x2 है, इसी का fx1 है और fx2 है, ठीक है, तो ये यहां से समझ आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक एलिमेंट से ही जुड़े हुए, ठीक है, तो यहां से ये क्या कहता है, ये कैसा आ गया, एक एक ही आ गया, यहां से एक एक ही हो गया। अब मुझे बहु एक उसका चेक करना है, तो एक एक और बहु एक एक में से तो ये क्या हो गया, एक एक हो गया, अब मुझे क्या चेक करना है, ये आच्छादक है या अंतरक्षेपी है, तो कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या किया था, अब जैसे ये क्या है, ये इनपुट है, डोमेन है, ये आउटपुट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट लूंगा, अब की बार किससे लूंगा, सहप्रांत से, तो मैंने ले लिया, लेट कर लो वाई, जनरल टर्म ले लिया बिलोंग्स टू आर, ये कहां से, सहप्रांत से, ठीक है, अब अपने को पता है वाई इक्वल टू क्या होता है, fx होता है, y = fx, अब अपने को पता है fx कितना दे रखा है, y = fx दे रखा है 3x + 5, तो यहां से x को y की टर्म में पता करो, तो ये 5 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा यहाँ पे y - 5/3, ये चीज आ गई, x को अपन ने y की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, तो चलिए अब मैंने क्या दिया, यहाँ पे जान दो, ये ठीक ऐसा ही बन रहा है, अब इस टाइप से ये y जनरल टर्म है और ये x जनरल टर्म है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, मैं यहाँ पे कोई भी y की वैल्यू पुट करूंगा तो ये y कहां से लेगा वैल्यू, कोडोमेन से, रियल नंबर से, तो जैसे ही मैंने यहां से कोई भी रियल नंबर डाला तो वापस सॉल्व करके देखूंगा तो x मिलेगा क्या, रियल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, रियल नंबर कहां से कहां, तो उससे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो जब भी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ न कुछ x जरूर मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी y की वैल्यू, कुछ न कुछ यहाँ पे कोई भी y की वैल्यू ले लो, यहां से कैसी भी y की वैल्यू उठा लो, क्यों, y कहां से बिलोंग कर रहा है, सहप्रांत से, तो इस वाले सहप्रांत से कोई भी y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, जो x की वैल्यू मिलेगी, क्या ये इस वाले प्रांत में है या नहीं है, ऑब्वियसली बात है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, y की कुछ भी वैल्यू रख दो तो जो x मिलेगा वो r में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कैसी भी वैल्यू उठा के देखो उसका पूर्व प्रतिबिंब आपको यहां पे दिखने को मिलेगा, अर्थात कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहेगा, ऐसा एक भी एलिमेंट यहां पे नहीं मिलेगा जिसका इमेज, प्री इमेज आपको यहां पे नहीं मिलेगा, इसीलिए अपन क्या कहेंगे, ये वाला कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, तो ये आपने यहां से देख लिया, अच्छा तक फलन हो गया, तो टोटल मिला के क्या हो गया, ये एक एक ही हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब एक एक ही और अच्छा तक हो गया, एक एक ही और अच्छा तक फलन हो गया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं उसको समझने के लिए, एफ आर से आर में डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1 + x²। अब आपको चेक करना है कि ये फलन है वो कैसा है, तो चलिए सबसे पहले एक एक का चेक लगाते हैं, तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिया जो r किससे है, प्रांत से है, अब मैं इस पे आउटपुट निकाल रहा हूं, तो x1 पे आउटपुट fx1 और x2 पे आउटपुट fx2, और मैं ये मान के चलता हूं ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है, तो मैं देखता हूं कि ये इनपुट कैसे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + x1² बराबर 1 + x², तो यहां से x1 = ± x2,
तो क्या ये एक्स वन एक्स टू यहाँ से बराबर आए? बराबर नहीं आए, क्यों? एक्स वन दो आ गए, या तो प्लस एक्स टू होगा या माइनस एक्स टू होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहु एक एक ही है। ठीक है, अब चेक करेंगे आच्छादक है या नहीं है, आच्छादक या अंतर्क्षेपी है, तो चलिए चेक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, y बिलोंग्स टू r, यहाँ पे दोनों लिखो r टू r है, इसका मतलब प्रांत भी आ रहा है, सहप्रांत भी आ रहा है, ये कहां से लेता हूँ, सहप्रांत से लेता हूँ, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से x निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, रूट, ठीक है, वाई माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस वन। तो यहां से एक चीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही मैं वाई की कुछ भी वैल्यू रखता हूं, यहां पे वाई कहां से बिलोंग कर रहा है, आर, आर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, तो जैसे ही रियल नंबर, अगर लेट कर लो यहां पे मैं जीरो रख देता हूं, ठीक है, तो जीरो माइनस वन ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ऐसी इस वाले में, ये आर और ये भी आर, मतलब सह प्रांत में कुछ ऐसी वैल्यूज भी है यहाँ पे जिसका इमेज इसमें आपको प्री इमेज इस वाले प्रांत में नहीं मिलता है। कैसे, ये वाला देखो एक्सप्रेशन देखो, x इज इक्वल टू क्या है, रूट वाई माइनस वन, इसका मतलब y मुझे सह प्रांत से उठाना है, तो सह प्रांत से कोई भी ऐसी वैल्यू उठा लेता हूँ, रियल नंबर में दे रखी है तो कोई भी ऐसी वैल्यू उठा सकता हूँ जिसके लिए ये पूरा का पूरा डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब इसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब कुछ ऐसे खूब सारे एलिमेंट होंगे जिनका प्री इमेज यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए क्या हो गया, इनटू मतलब अंतर्क्षेपी, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, बहु एकक और अंतर्क्षेपी फलन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन या तुल्य फलन, कोई भी दो फलन आपको दे रखे हैं fx और gx और आपसे बोला जाए क्या ये तुल्य फलन है, यानी तुल्य मतलब इक्वल फंक्शन, तो इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन माने अपन क्या कहेंगे, fx और ये fx एवं gx दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, तुल्य होंगे यदि, मतलब इनसे पूछा जाए कि ये तुल्य कब होंगे, तुल्य होंगे उसकी क्या कंडीशन है, तो इसकी तीन कंडीशन है, तो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, इन दोनों के डोमेन यानी प्रांत समान होने चाहिए, एफ एक्स व जी एक्स के प्रांत समान होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, एफ एक्स व जी एक्स के सह प्रांत भी समान होने चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो भी अपने को डोमेन दे रखा है प्रांत, ठीक है, कोई भी प्रांत से कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास एफ एक्स और जी एक्स क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन होती अगर दो फंक्शन दे रखे कि पूछे कि ये तुल्य है या नहीं, अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो दोनों फंक्शन आपस में तुल्य या इक्वल फंक्शन होंगे, अगर नहीं करते तो तुल्य फलन नहीं होंगे, या तीन, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि क्या ये है या नहीं, इस टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये दो फलन है, इसकी तुल्यता चेक करनी है, तो आपको पता है साइन एक्स, ठीक है, इस टाइप से फंक्शन होता है, इसका ग्राफ देखेंगे तो इस टाइप से चलता रहता है, ठीक है। तो इसका इनपुट ये देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन क्या है, देखो डोमेन को एक्स एक्सिस पे देखते हैं, कोडोमेन को वाई एक्सिस पे, सॉरी रेंज को वाई एक्सिस पे, कि उसकी आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब ये सेम इनपुट आउटपुट की तरह, तो इनपुट तो अपन क्या देखेंगे एक्स एक्सिस पे और आउटपुट वाई एक्सिस पे, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और अपन इसकी कोडोमेन की बात करें या रेंज की बात करें,
कोडोमेन, ठीक है। या अपन रेंज की बात करें तो रेंज कहां से कहां तक के बीच में, रेंज हो जाएगी वो क्या, माइनस वन से वन के बीच में, माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया, कॉस एक्स साइन एक्स का हो गया। अब कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स भी इसी टाइप का होता है, ठीक है। इसका डोमेन कहां से कहां के बीच में है, देखो यहां पे डोमेन का मतलब क्या है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी कुछ भी वैल्यू ले लेगा तो क्या हो जाएगा आर। और इसका रेंज निकालेंगे तो आपको पता है रेंज या कोडोमेन एक ही बात देखेंगे आप इसमें, ठीक है। या तो रेंज ले सकते हैं अगर अपने को क्या फलन डिफाइन दे रखा है तो कोडोमेन देख लेंगे, वरना रेंज देख लेंगे। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस वन से वन। तो यहाँ पे तीन कंडीशन लिखी थी कि पहला डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरा सहप्रांत। अब यहाँ पे सहप्रांत दे नहीं रखा तो अपन रेंज की टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन अपने को मिल रही है, डोमेन आर रेंज माइनस वन से वन, रेंज माइनस वन से वन। तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स और जी एक्स बराबर होने चाहिए सभी इनपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है ये जो साइन एक्स है इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू ले लेंगे, लेट कर लो यहाँ पे मैंने ये वाली ले ली जीरो, तो साइन तो जीरो पे क्या है, जीरो है, और ये पे यहाँ पे क्या है, वन है। तो ये दोनों फलन बराबर नहीं है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहां से अपने को तीसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए अपन ये कहेंगे कि एफ एक्स और जी एक्स ये जो फंक्शन दे रखे हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, ये तुल्य फलन नहीं है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।